हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल को क्विक स्टडी विद एसके में। ये कंप्यूटर का पांचवा वीडियो, पिछले चार वीडियो हम लोग कंप्लीट कर चुके थे। इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं। यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फ्री PDF प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाकर क्विक स्टडी विद एसके सर्च करेंगे, जहाँ से फ्री PDF आप लोगों को प्राप्त होगी। ठीक है मित्रों, चलिए आइए शुरू करते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर पहला है, कंप्यूटर के सभी भागों के बीच सामंजस्य स्थापित करता है, तो यह क्या है जो सामंजस्य स्थापित करता है, तो क्वेश्चन है। ठीक है, तो पहला है लॉजिक यूनिट और दूसरा है कंट्रोल यूनिट, अगला है ALU, ये सभी। तो क्या है इसका सही आंसर? कंट्रोल यूनिट। अगला क्वेश्चन देखेंगे मित्रों, क्या कहता है अगला, CPU के कार्य, तो CPU के क्या कार्य हैं ये आप लोगों को बताना है। ठीक है, इनपुट तथा आउटपुट डिवाइस को नियंत्रित करना, डेटा को तात्कालिक रूप से स्टोर करना, अगला है निर्देशों को पढ़ना और आदेश करना है था यहाँ पे, मिसप्रिंट हो गया है, या ये सभी। तो यही सही आपका आंसर है, सभी कार्य CPU के द्वारा किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर के भाग जो जोड़ घटाओ गुणा भाग और तुलनात्मक कार्य करता है वह क्या है, ये आप लोगों को बताना है। ठीक है, ALU, मेमोरी, CPU या इनमें से कोई नहीं, तो क्या सही है इसका? जहाँ पे जो गणितीय कार्य होते हैं वो क्या होता है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, यानी कि ALU। ठीक है मित्रों, अगला क्वेश्चन देखेंगे, 44 है, आउटपुट क्या है, आउटपुट क्या है ये आप लोगों को बताना है, वह जो प्रोसेस यूजर से ले, अगला है वह जो यूजर प्रोसेसर को दे, वह जो प्रोसेसर को यूजर से मिले ऑब्लिक जी क्या है, संप्रेषण। तो यही आपका सही आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 45 है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कंप्यूटर द्वारा प्रोड्यूस किया गया परिणाम है इलाहाबाद यू 2010 में पूछा गया क्वेश्चन है, डाटा, मेमोरी, आउटपुट या रेफ्रेश, क्या सही है इसका आंसर बताइए? 45 का क्या सही है? आउटपुट, आउटपुट इसका सही आंसर है, जो परिणाम हमेशा आउटपुट के रूप में प्राप्त होता है। ठीक है मित्रों, अगला क्वेश्चन देखेंगे, 46 है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है 46, इंफॉर्मेशन सिस्टम में अल्फा न्यूमेरिक डाटा सामान्यतः क्या रूप लेता है ये आप लोगों को बताना है, इलाहाबाद PU 2010 में पूछा गया क्वेश्चन है, बाक को पैराग्राफ, नंबर और अल्फाबेटिकल कैरेक्टर, तीसरा है ग्राफिक शेप और फिगर, फिशिंग, स्कंस, तो क्या है इसका सही? नंबर और अल्फाबेटिकल करेक्टर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 47 है, जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है 47, CPU में एक कंपोनेंट के रूप में निम्न में से कौन सा होता है, पंजाब एंड सिंध 2010 में पूछा गया क्वेश्चन है ये। ठीक है, क्या सही आंसर है आप लोगों को बताना है, मेमोरी रेगुलेशन यूनिट, फ्लो कंट्रोल यूनिट या ALU, यह वेब पे देखने के लिए प्रयुक्त एक सॉफ्टवेयर है, तो क्या सही है इसका, एक कंपोनेंट के रूप में कौन सा होता है ये आप लोगों को बताना है। 47 का क्या है सही? तो ALU इसका क्या है सही आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 48 क्वेश्चन है, 48 क्वेश्चन, कच्चे तथ्य बताता है कि जब की से डाटा अद्भुत बन जाता है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया कलेक्ट 2010 में पूछा गया क्वेश्चन है, तो क्या है यहाँ पे, सूचना रिपोर्टिंग या डाटा सूचना या सूचना विट्स या रिकॉर्ड वाइट्स, तो क्या सही है इसका बताइए, 48 क्वेश्चन का क्या सही है? तो क्या है, डाटा सूचना इसका सही आंसर है, क्या है, अर्थपूर्ण बन जाता है, तो जो डाटा सूचना होता है। ठीक है,
अगला क्वेश्चन देखते हैं, 49 है क्वेश्चन। शब्द, आवाज, इमेजेस और ऐसे कार्यों को अनुदित करना जिसे लोग सिस्टम यूनिट प्रोसेस करने वाले प्रारूप में समझ सकते हैं, उसे किस रूप में जाना जाता है? 49 है, किस रूप में जाना जाता है? डिवाइस ड्राइवर्स, डिवाइस रिडर्स, इनपुट डिवाइस या आउटपुट डिवाइस? तो क्या सही है? इनपुट डिवाइस। दसवां क्वेश्चन है, जो कि लास्ट क्वेश्चन है, यानी कि 50। कंप्यूटर प्रोसेसर में निम्न भाग सम्मिलित हैं, कौन कौन से भाग सम्मिलित हैं जिनमें समावेश किया गया है? सीपीयू व प्रमुख मेमोरी, हार्ड डिस्क व फ्लॉपी डिस्क, फ्लॉपी ड्राइव, प्रमुख मेमोरी और स्टोरेज, कंट्रोल यूनिट व ईएलयू। तो क्या सही है? यही आपका सही आंसर है। तो कैसा लगा वीडियो मित्रों, ज़रूर बताएं आप। हमारा वीडियो देखने के लिए मित्रों आप लोगों का बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार दीजिए।